अब आगे बढ़ते और रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। और शेयर बताने के लिए हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, कहाँ पर मौके देख रहे हैं आप निवेश के लिए आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे अभी बजट के पहले GNFC करके एक कंपनी है, वो बहुत अच्छी लग रही है, गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी आप अगर देखो तो गुजरात गवर्नमेंट कंपनीज की प्रमोटेड कंपनी है, तो उनकी सब्सिडरीज है, बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है, समझ लीजिए आप। अब ये बीच में अभी स्टॉक ऊपर गया था काफी, और उसके बाद में एक करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है कि 650 का एक स्टॉप लॉस लगा के हर डिप पे लीजिए। ये नहीं है कि अभी के अभी आपको लेना है, लेकिन धीरे धीरे आप इसको अक्यूमुलेट करिए। 650 एक बहुत रीजनेबल से स्टॉप लॉस रहेगा इसके लिए। और कंपनी में देखिए अच्छा खासा कैश फ्लो है, इनफैक्ट जो हॉट कैश बोलते हैं ना, वो कैश अवेलेबल है। कंपनी डिविडेंड अच्छा दे सकती है, और जो ये एसिटिक एसिड बनाती है, ये बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है भारत में। और बजट में हमको देखने को मिलेगा कि हमेशा के जैसे फर्टिलाइजर में आपको फोकस दिखेगा बजट में, पहली चीज। और दूसरी चीज, कंपनी केमिकल स्पेस में भी है, और केमिकल स्पेस अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो एक साइक्लिकल स्पेस बन के रखा, और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए लेना है आपको, इमिडिएटली लेके बेचना नहीं है, लेकिन हाँ, जिसको डर लगता है वो 650 का स्टॉप लॉस लगाए, और जिसको नहीं लगता है, आई थिंक धीरे धीरे आपको अपग्रेड करना चाहिए, बहुत शानदार कंपनी। ठीक है, तो ये है सलाह GNFC पर। कोई भी पाए खरीदारी करके चलिए, आज थोड़ा नीचे भी है स्टॉक, लेकिन अच्छे मौके हैं यहाँ पर तेजी करने के। और अगले 6 महीने के लिए जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो 770 के हैं, तो स्टॉक पर नजर रखिए। थैंक यू विवेक आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। स्पेसिफिक पर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ पर की एक्शन है आज, और उसमें मैक्स हेल्थ में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिल रही है, करीब 5% ऊपर है ये स्टॉक आज के दिन। मैक्स हेल्थ में भी स्वाति, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर इन स्तरों पर? ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है ऑन लार्जर डिग्री। अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं तो इसमें एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है पूजा जी, और कल जो जिस हिसाब से उसने एक हमें फॉल देखा था लास्ट 3 दिन पहले, 20 डेज मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिया है। डेफिनेटली करंट लेवल पे भी आप बाय कॉल ले सकते हो, बट थोड़ा वेट कीजिएगा। आज इंट्राडे ऑलमोस्ट 5% अपसाइड है, अगर कोई भी डेप्थ आता है 900 to 910 के रेंज में तो आप डेफिनेटली बाय जा सकते हो। नीचे में एटलीस्ट 880 का सपोर्ट स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग टारगेट्स के लिए 950 to 970 के लेवल सब रख सकते हैं। ओके, 980 तक के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, मौजूदा स्तर पर भी आप एंट्री ले सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह। और अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है।